हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, फ्लिपकार्ट से मैंने एक ब्राइडल ज्वेलरी को परचेज किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपीस का है। तो क्या वो वर्थ बाय है या फिर नहीं, क्या आप उसे परचेज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से इस प्रोडक्ट को परचेज किया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट, सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पर्पस के लिए, दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, मैं इस ज्वेलरी के बारे में बात कर रही हूँ। यू कैन सी ये कितना खूबसूरत एक जोधा नेकलेस है, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है क्योंकि इसके बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे थे, तो मुझे लगा कि हाँ, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी और ये डिसेंट प्राइस में भी मुझे मिल रहा था। आई मीन 400 या 450 रुपीज इज रियली गुड प्राइस अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की बात करें तो। आई थिंक आप सबने इस ब्रांड का नाम सुना होगा क्योंकि ज़ावेरी पर्ल्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स, काफी सारे ज्वेलरीज हम फ्लिपकार्ट अमेज़न पर देखते ही रहते हैं। सो इसकी पैकेजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। पैकेजिंग मुझे डिसेंट लगी क्योंकि इस तरीके का एक बॉक्स में आया है, तो अगर आप ब्राइड भी है तो उसके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। ऑल्सो इसमें आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा स्टर्डी है, तो इसमें जो ज्वेलरी आई थी, मुझे रिसीव हुई थी जब, तो भी ज्वेलरी बिल्कुल इंटैक्ट थी। सो आई थिंक पैकेजिंग इज रियली गुड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये जो नेक पीस है ना, ये नेक पीस का जो कलर है वो मुझे काफी अच्छा लगा, काफी ब्राइट कलर्स है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर है, मैरून कलर है, ग्रीन, मैरून, रेड, ये सब कलर ना ब्राइडल कलर होते हैं है, तो वेडिंग के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। और इसका जो डिजाइन है वो मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना क्रैक्स है, आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में इसमें क्रैक्स है, तो इस क्रैक की वजह से ना वो आपके नेक में पूरा इस तरीके से फिट हो रहा है अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें क्रैक है। अगर ये पूरा ही ऐसा होता ना, पूरा स्ट्रेट एंड सॉलिड, तो फिर ये आपके नेक में इस तरीके से फिट नहीं होता, तो ये इजिली फिट हो रहा है। ओके, और इसमें छोटे छोटे बीड्स है नीचे, जिसकी वजह से भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका लुक, एक बार जब आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज इसका लुक काफी अच्छा है। ऑल्सो मुझे एक और चीज इसकी अच्छी लगी कि इसका जो इयररिंग है ना, वो ना तो बहुत ही छोटा है ना तो बहुत ही लंबा है, क्योंकि जनरली जब आप हेवी यू नो नेक पीस पहन रहे हैं तो अगर आपका इयररिंग भी हेवी होगा तो उतना अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसका इयररिंग डिसेंट है, साइज है डिसेंट, तो मुझे ये भी अच्छी लगी। और इयररिंग जो है ना वो उतना ज्यादा भारी नहीं है, नॉट एट ऑल दैट हेवी। बट अभी बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में, क्योंकि ये जो नेक पीस है ना, ये इतना ज्यादा हेवी है, इतना ज्यादा हेवी है कि आप इसे एक घंटे तक तो पहन ही नहीं पाओगे। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मैं तो इसे 10 मिनट भी नहीं टॉलरेट कर सकती थी, इतना ज्यादा ये हेवी है। और ऐसे गले में ऐसे फिट हो रहा है, मैंने जैसे कहा तो बिल्कुल फिट हो रहा है, इसका मतलब गले में थोड़ा सा इरिटेशन भी मुझे महसूस हो रही थी बिकॉज मैं यूज टू नहीं हूं इस तरीके से ज्वेलरी से, तो मुझे, मेरे लिए काफी अनकंफर्टेबल था। अगर मैं बात करूं, आप गेस्ट है और किसी वेडिंग में आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं और आप वहां पर एक या दो घंटे टाइम बिताएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो उसके लिए ये ठीक है क्योंकि फिर एक या दो घंटे के लिए इट विल बी गुड। लेकिन अगर आप ब्राइड है और या फिर एंगेजमेंट में आप इसे पहनना पसंद करते हैं इस तरीके का ज्वेलरी, तो आई थिंक ये उतना गुड ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हेवी है, तो काफी अनकंफर्टेबल आप फील करोगे। ऊपर से ये गले में यू नो रेडनेस भी हो सकती है और काफी ज्यादा टाइट होने की वजह से यहाँ पर आपका यू नो दाग भी हो सकता है। तो आई वुड नॉट से कि इट विल बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि फिर इसका डिजाइन अच्छा है, ये देखने में काफी अच्छा है, पैकेजिंग भी काफी ठीक ठाक है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही ज्यादा हेवी है तो बहुत अनकंफर्टेबल आप फील करोगे। और इयररिंग अगर हेवी हो तो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप गले में कुछ हेवी पहन रहे हो तो काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मुझे ये एक्सट्रीमली हेवी लगी, दैट्स व्हाई मैंने शेयर किया। ऑल्सो इसकी क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा नहीं कि ये टूट गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे स्टोन्स है, बीड्स है, छोटे छोटे बीड्स भी है। तो जैसे ही ये आया ना, मैंने जैसे ही इसकी अनपैकेजिंग की और जब मैं इसे ऐसे करके उठा रही थी, तभी इसके काफी सारे छोटे छोटे बीड्स एंड स्टोन्स निकल गए, तो इसकी क्वालिटी मुझे भी उतनी अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, ऐसी ज्वेलरी हम लोग डेली बेसिस पर तो नहीं पहनेंगे कि इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी चाहिए,
आप इसे ओकेशनली ही पहनेंगे तो ओकेशनली ये ठीक ठाक ही है, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज सब ये जो बीट्स वगैरह निकल रहे हैं वो भी माइनर प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है कि ये इतना ज्यादा हेवी है कि बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे। सो मैंने जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक डेफिनेटली छोड़ दूंगी। और या ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस खूबसूरत जोधा नेक पीस का। बाय द वे इसके पीछे जो प्राइस लिखा है दैट इज 3992। इतने प्राइस में तो बिल्कुल भी इसे ना खरीदे आप। बट या दिस इज मेड इन इंडिया और ये इसका जो बेस मटेरियल है दैट इज जिंक। तो अगर आपको जिंक से एलर्जी है डू नॉट बाय दिस बिकॉज दिस इज मेड ऑफ जिंक। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप सबको अच्छा लगा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।